नमस्कार दोस्तों, आईटीसी का Q2 का रिजल्ट यहाँ पर हम लोगों को आता हुआ नजर आ चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा सर, यहाँ पर रिजल्ट के साथ साथ आपको बहुत सी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि आप यहाँ पर थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा। तो बिना समय जाया किए हुए सीधा आईटीसी के रिजल्ट के ऊपर जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार पहला वीडियो देख रहे हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। आईटीसी का रिजल्ट डिस्कस करने से पहले सर आपको यहाँ पर आईटीसी का प्राइस भी बताना चाहूंगा। 173.95 रुपया का बीएससी के ऊपर आज यानी कि 6 नवंबर को इसकी क्लोजिंग प्राइस है। स्टॉक यहां पर आपको थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। साल भर का नजरिया जो लोग यहां पर रखकर चल रहे हैं सर, उनको मैं कहना चाहूंगा आप इस प्राइस के ऊपर आईटीसी के स्टॉक को डेफिनेटली ले सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह प्राइस ठीक है सर, यहां पर एक साल का नजरिया जिनका है वो ले सकते हैं। मतलब एक साल बाद यहाँ पर स्टॉक ऊपर जाता है मुझको नजर आ रहा है। बाकी सर यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हो सकता है, मतलब 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हो सकता है यहाँ पर करेक्शन भी आपको देखने को मिले। लेकिन सर एक साल का टारगेट, मतलब मिनिमम एक साल का टारगेट अगर आप रखते हैं तो आईटीसी इस प्राइस के ऊपर अट्रैक्टिव है। बाकी लंबे अवधि, उससे ज़्यादा जो नजरिया लंबे अवधि का रखते हैं सर, उनके लिए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आईटीसी बेहतरीन स्टॉक है। यहाँ पर 5 साल का रिटर्न आपको बताना चाहूँगा सर, 5 साल का अगर आप आईटीसी का रिटर्न देखते हैं स्टॉक का तो 20% डाउन है। 5 साल के अंदर भी स्टॉक 20% डाउन है। मार्केट कैप 2,14,000 करोड़ का, पी की बात करें 15 के P मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड लगभग 6% के आसपास का है। फिक्स डिपॉजिट में अभी इस ज़माने में इतना नहीं मिलता जो ये डिविडेंड बांटती है। और अगर आप 10 साल का यहाँ पर परफॉर्मेंस देखें तो 10 साल में आईटीसी ने अपने इन्वेस्टरों को लगभग 900% का रिटर्न यहाँ पर कमा कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ 6 नवंबर 2020 की। 900% का रिटर्न कम नहीं होता है 10 साल के अंदर अंदर, तो यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न आपको ये कमा कर दिया है। और अगर आप आज की डेट एनएससी के ऊपर 6 नवंबर को कारोबार की स्थिति देखें तो 3,42,52,005 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है, उनमें से 1,60,506 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है, परसेंटेज 29.37%। अब आते हैं, चलिए यहाँ पर सीधा सीधा मुद्दे की बात जो है, आईटीसी का रिजल्ट कैसा आया और आपको यहाँ पर क्या कुछ देखने की ज़रूरत है और उसके साथ आपको क्या कुछ मिल सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, मैंने आईटीसी का जो यहाँ पर उनका रिजल्ट है जो पीडीएफ ये एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करती हैं, वो पीडीएफ मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 6 मंथ एंडेड 13 सितंबर 2020। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो 3 महीने के अंदर यानी कि जो सितंबर का जो क्वार्टर ये है, 30 नवंबर 2020 जो क्वार्टर गुजरा, इस क्वार्टर तक 3 महीने के अंदर यानी कि 30 या पर मतलब सितंबर तक जो 3 महीना होता है वो उस 3 महीने के अंदर इन्होंने कंपनी ने क्या कुछ कमाई की है, क्या कुछ प्रॉफिट किया है और बाकी की अदर्स चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। जो टोटल इनकम यहाँ पर हुआ है इस 3 महीने के दौरान यानी कि Q2 का जो 3 महीना होता है, उस 3 महीने में टोटल इनकम जो हुआ है वो हुआ है 12,586 करोड़ का। ये करोड़ में फिगर्स है, ठीक है। और 3 महीने पहले इस क्वार्टर में कितना हुआ था, जो मतलब फर्स्ट क्वार्टर में हुआ था 12,525 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था। तो टोटल इनकम में देखें तो कंपनी ने यहां पर आपको ग्रोथ दिखाई है टोटल इनकम में। और यही जो आप यहाँ पर इनकम देख रहे हैं, ये इनकम साल भर पहले, एक साल पहले जो हुआ करता था, अगर आप ईयर ऑन ईयर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको मायूसी देखने को मिलेगी सर। ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो यहाँ पर उनका रिजल्ट हुआ करता था सर, मतलब सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख पाएंगे यहाँ पर 10,398 करोड़ के मुकाबले 12,586 करोड़ का। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ईयर ऑन ईयर भी देखें, ईयर ऑन ईयर भी देखें तो वहाँ पर भी आपको इनकम में, मतलब जो इनकम है, इनकम में आपको ग्रोथ नजर आएगी। लेकिन सर इनकम से भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर थोड़ी चीज़ देखने की ज़रूरत है, वो है क्या, प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट क्या कुछ कमा रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो प्रॉफिट हुआ है, जो नेट प्रॉफिट हुआ है इस पीरियड के अंदर, प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप यहाँ पर देखें तो देख पाएंगे जो 3 महीने पहले जो प्रॉफिट हुआ था कंपनी का, तो वहाँ पर कितना हुआ था 2,342 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2,342 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 3,232 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट दमदार हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें, यानी कि एक साल पहले इस वाले क्वार्टर में
कंपनी ने 4023 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, उसके मुकाबले 3232 करोड़ का। तो यहां पर अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट में यहां पर हमको कमजोरी देखने को मिली है, तो ये कमजोरी तो लाजमी है, ये होना ही मतलब था। कोविड का इतना बड़ा इंपैक्ट चला, उसको ओवरकम करने के बाद कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया, यही बड़ी बात है। ये कंपनी मेनली अगर आप देखिए इसका जो मेन इनकम आता है ये सिगरेट के इनकम से आता है, लेकिन तब भी कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। उसके बाद आपको दिखाना चाहूंगा किस सेगमेंट से कितना आया है, बाकी बेसिक और यहाँ पर जो मतलब इसका कंपनी का जो बेसिक ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। एक साल पहले बेसिक ईपीएस हुआ करता था 3.28 और वो बेसिक ईपीएस कम होकर हुआ 2.62, जो कि एक दिक्कत वाली बात है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो ईपीएस आपको जबरदस्त बढ़ता हुआ दिखेगा, 1.91 के मुकाबले 2.62। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट तो बेहतरीन शानदार है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर आप देखें तो प्रॉफिट और ईपीएस में यहाँ पर दिक्कत है। बाकी इनकम तो पहले वाले साल, एक साल पहले इस क्वार्टर में जो हुआ था उसको वो तक तक पहुंच गया है, लेकिन सर इनकम थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है। बाकी सेगमेंट वाइज आईटीसी ने क्या कुछ कमाया है वो भी आपको बताना चाहूंगा। सर यहां पर अगर आप देखें तो आईटीसी ने जो एफएमसीजी बिजनेस है उससे, यानी कि सिगरेट के बिजनेस और अदर्स बिजनेस से कितना कमाया है, इस वाले क्वार्टर में आईटीसी ने सिगरेट का जो इसका बिजनेस है उसके उससे जो इनकम की है 5121 करोड़ का, यहां पर कंपनी ने यहां पर जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है। एक साल पहले 5326 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू जनरेट हुआ था सिगरेट से, और वही अगर आप देखें 3 महीना पहले मतलब पहले वाले क्वार्टर वन में 3853 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो रेवेन्यू अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतरीन बढ़ा है, और अगर आप देखें तो लॉकडाउन के चलते जो बंद रहा था सारा कुछ यहां पर कहते हैं, तो उसका थोड़ा सा इंपैक्ट आपको सेकंड क्वार्टर में भी थोड़ा बहुत देखने को मिला है, और लोग यहां पर मतलब कोविड के चलते जो इनके प्रोडक्ट है उनका यूज थोड़ा सा लोग मतलब यहाँ पर कम करते हुए नजर आएंगे। तो उसके चलते अगर आप देखें तो जो इनकम है यहाँ पर जो रेवेन्यू है सिगरेट के बिजनेस से वो थोड़ा आपको ईयर ऑन ईयर कम होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर आप देखें तो होटल बिजनेस से अगर आप देखें तो पिछले वाले क्वार्टर में क्वार्टर वन में जो था वो 22 करोड़ का या इनका इनकम था, और उससे उसके मुकाबले 81 करोड़ का यहाँ पर इनका इनकम हुआ है। एग्री बिजनेस से देखें तो एग्री बिजनेस में से अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर एग्री बिजनेस में आप देख पाएंगे यहाँ पर ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पर अच्छा यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, 2647 करोड़ के मुकाबले 2985। वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 3746 करोड़ के मुकाबले यहाँ पर जो हुआ है वो है 2985 करोड़ का। बाकी जो अदर्स इनकम है वो भी आप देख पाएंगे सर, तो मतलब हर जगह यहाँ पर कंप्लीट अगर आप इस रिजल्ट को देखें तो अगर आप मेरे से पूछे रिजल्ट कैसे हैं तो सर रिजल्ट मतलब एक्सपेक्टेशन जो था वही मतलब लोग जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था वही रिजल्ट यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा अच्छा मैं यहाँ पर इसको नहीं मानूंगा। हाँ प्रॉफिट तो कंपनी का कम हुआ है ईयर ऑन ईयर, तो वो तो लाजमी है सर, कोविड का इतना बड़ा इम्पैक्ट चला। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए सर आईटीसी का स्टॉक बेहतरीन है। बाकी डिविडेंड और बोनस इस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें, आईटीसी साल में एक बार डिविडेंड देती है और बाकी बोनस का यहाँ पर कुछ भी अभी हमको यहाँ पर नहीं आता नजर आ रहा है कि बोनस कंपनी दे पाएगी यहाँ पर नहीं, लेकिन सर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, हो सकता है यहाँ पर इन फ्यूचर आपको बोनस भी कंपनी की ओर से आता हुआ देखिए। आईटीसी अच्छा खासा बोनस भी देती है अपने इन्वेस्टरों को, तो अगर आप आईटीसी के शेयर होल्डर हैं तो मैं कहना चाहूंगा सर लंबी अवधि के लिए अगर आप किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आईटीसी बेहतरीन स्टॉक है। एक क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, इससे घबराकर स्टॉक को बेचने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, बहुत ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होना यहाँ पर बाकी है। तो सर यहाँ पर आपको मैं कहना चाहूंगा होल्ड कीजिए, बस होल्ड कीजिए, बाकी सर पैसा आपका है, डिसीजन आप लीजिए। ये गलती दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है सर कि आप आईटीसी का स्टॉक बेच दे। रिलायंस भी एक जमाने में ऐसा ही हुआ करता था, और अगर आप अभी रिलायंस का प्राइस देखें और साल भर पहले का प्राइस देखें तो आप मतलब जो लोगों ने यहाँ पर एक साल तक रिलायंस का यहाँ पर भाव नहीं देखा वो अगर देखने आएंगे तो सर वो चौंक जाएंगे कि रिलायंस कहाँ पहुँच गया। तो वही सर आईटीसी भी उसी कैटेगरी का मतलब आईटीसी के अंदर भी उतना कैपेसिटी है कि आईटीसी भी यहाँ से डबल ट्रिपल हो सके, लेकिन सर कब होगा कैसे होगा बहुत बड़ी बात है, कब होगा कैसे होगा वेट करना होगा हम लोगों को अगर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टर है। बाकी ट्रेडर्स के लिए वो तो अपनी स्ट्रेटजी अपने आप बनाएंगे, उनके लिए तो कुछ मैं यहाँ पर कहता नहीं अमूमन। बाकी सर इन्वेस्टमेंट के लिए आईटीसी बेहतरीन स्टॉक है, ये प्राइस तो मतलब लपक लेने वाला स्टॉक है, और इस प्राइस के अंदर तो और भी अच्छा खासा अट्रैक्टिव बन जाता है। बाकी सर अपना रिसर्च करने के बाद ही आप डिसीजन लीजिए, मेरे बोलने के ऊपर आपको कुछ भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना पैसा अपने हिसाब से यहाँ पर
पैसा मार्केट में लगाए। बाकी सर वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।